देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा का आज 26वां दिन जो बलिया के बेलथरा रोड विधानसभा के नगर में विश्राम करने के बाद यह यात्रा रसड़ा के लोकप्रिय प्रत्याशी रहे महेंद्र चौहान द्वारा हरी झंडी दिखाकर रसड़ा के लिए रवाना किया गया। यह यात्रा अनवरत गाजीपुर से 9 अगस्त से चली आ रही है। गाजीपुर के सभी विधानसभाओं से होते हुए बलिया के सभी विधानसभा में कूच कर चुकी है। अब यह यात्रा आखिरी विधानसभा रसड़ा में पहुंचेगी और वहां रात्रि विश्राम करने के बाद यह यात्रा मऊ विधानसभा की ओर चलेगी। यह जत्था समाजवादी साथियों के द्वारा इस गूंगी भरी हुकूमत के खिलाफ चल रही है। इस यात्रा का बस एक ही मकसद है 2024 को फतेह करना, क्योंकि जो ये तानाशाह सरकार है जब तक केंद्र में और प्रदेश में रहेगी किसी का भला नहीं होने वाला है, चाहे वो मजदूर किसान हो, महिलाएं हो, बच्चे हो या किसी प्रकार के गरीब तबका कोई व्यक्ति हो, किसी का इस सरकार में भला नहीं होने वाला है। इन्हीं सब बातों को लेकर यह समाजवादी साथी अपने कार्यों के माध्यम से कोई दिन इन्होंने मिस नहीं किया है, बीमार भी पड़ गए थे। देखिए हम लोग जब बलिया पहुंचे, जब वो तृप्ति होटल में रुके थे बलिया शहर में इनकी तबीयत खराब हो गई अफजल की, और अफजल को जिला अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, इनको ग्लूकोज चढ़ा। दो दिन बाद फिर से इनकी तबीयत खराब हो गई, बड़ा मुश्किल से हम लोग इनको संभाले, इनको कुछ आराम दिलाया गया और थोड़ा मौसम भी सही हुआ तब जाकर के। श्याम बहादुर जी जौनपुर से, इसलिए आज हम लोगों को रोडों पर उतरना पड़ा है। हम लोग जन जागरण के रूप में बताने का काम कर रहे थे कि 300 रुपये का सिलेंडर था, ये कहे कि मदद मंगना हो गया, आज 1150 रुपये का गैस सिलेंडर बचवा रहा है। सरसों का तेल का दाम बढ़ गया है, इस सवालों को लेकर हम लोग रोड पर उतरे हैं। चीनी का दाम बढ़ गया, चीनी कोटे से गायब, मिट्टी फर्स्ट कोटे से गायब, ये तमाम इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जिला अध्यक्ष जी, आप लगातार हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इस जन जागरण के माध्यम से हम सभी लोग पूरे पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश में आपातकाल जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर महिला उत्पीड़न से लेकर भाई अरविंद गिरी जी यूजन सभा के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उनका विधानसभा गाजीपुर रोहिया वाहिनी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय विजय शंकर यादव जी, गरिमा मई उपस्थिति आप पूर्व विधायक लगातार चलने का काम कर रहे हैं, आपका काम करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
देश भर पहुंचे हैं। यह हमारी यात्रा 9 अगस्त को होते हुए तबाही का मंजर लिख के जाएगा। ये रचना की सरजमी है। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नमन करते हुए अपने पूर्वज सम्राट पृथ्वीराज चौहान और राजा सुहेलदेव जी को याद करते हुए इस पद यात्रा की अगुवाई कर रहे इलाहाबाद छात्र के कोख से निकले हुए भाई अभिषेक यादव जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। पूर्वांचल में इंसानियत और मानवता के साथ साथ सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले हमारे नेता और रचना की आजादी के नायक माननीय श्री राम इकबाल सिंह जी बैठे हुए हैं। हमारे सामने बैठे हैं हमारे जनपद के कप्तान आदरणीय राजमंगल यादव जी हमारे सामने बैठे हैं। अग्निवीर योजना के रूप में जिस प्रकार से हमारे युवाओं के भविष्य को साथ खिलवाड़ किया कर रही है यह भारतीय जनता पार्टी, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके विरोध में आज हम यह पद यात्रा को लेकर हम रसना विधानसभा में से उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं का, बेटियों का, नौजवानों के साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छलावा किया है, अग्निवीर जैसी योजना लाकर नौजवानों को सड़कों पर ला दिया है। नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अरे मुख्यमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री जी, तुमने कहा था कि हम आएंगे तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी तो तुमने नहीं दिया, नौजवानों को तुमने बरगला दिया। ऐ साथियों, आओ हम समाजवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो और हम लोगों का हौसला अफजाई करो। हम निकले हैं संविधान बचाने के लिए, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, हम तुम्हारी आवाज को उठाने के लिए निकले हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी दल की हिम्मत नहीं है कि वो आवाज उठा दे, उस समय समाजवादी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है इस आतंकी सरकार के खिलाफ, कि भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ। इस पे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बताओ इस तुम्हारी सरकार का कैबिनेट का मंत्री गिट्टी चोरी का आरोपी, तुम किस कानून व्यवस्था की बात करते हो? उसने अपनी फाइल लेकर कोर्ट से भाग गया, बताओ उसका घर कब बुलडोजर से गिराओगे, बताओ उसको कब गिरफ्तार करोगे, बताओ चौंदौली की बेटी के साथ तुम्हारे पुलिस के साथियों ने किस तरह से बर्बरता की है, उसको इतना मारा है घर में घुस के, इतना मारा कि वो बेटी दम तोड़ दी। तब समाजवादियों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया और लगातार एक हफ्ते संघर्ष किया, तब इस बेटी को न्याय दिलाने का काम किया। तुम बताओ योगी जी, किस कानून व्यवस्था की बात करते हो? तुमने लगातार बहनों बेटियों के साथ हो रहे जुल्म के साथ तुमने खिलवाड़ करने का काम किया है, तुम्हें याद होगा। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जैसी घटना होती है, उसके बाप को मारा गया, उसके भाई को मारा गया, उसके बहन को मारा गया, सिर्फ इसलिए कि वो न्याय मांगने गई थी। उसके साथ जो जुल्म हुआ था, जो अत्याचार हुआ था, तुम्हारे ही पार्टी के विधायक ने उसके साथ जो अन्याय किया था, उसकी गुहार लेकर तुम्हारे पास पहुंची थी, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने बहुत जुल्म किया है और जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। इसलिए साथियों,
संघर्ष करो, ये संघर्ष का रास्ता ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और योगी जी, मोदी जी, याद रखना, ये देश समाजवादियों का रहा है और ये समाजवादियों के ही तट पर चलेगा। तुम्हारी ही रवैये का हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सड़क से लेकर और सदन तक हमारे नेता लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारे अरे कदम कब जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अरे जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई नौजवानों की मांग है, गाना लगा दो चाय विक्रेता वाला। एक भी एक स्कूल तक खोलने का नहीं काम किया भाजपा की सरकार ने, और इस भाजपा की सरकार में अत्याचार पहले से चार गुना बढ़ गया है। शादी करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, घर बेच देंगे तो पिताजी कहाँ रहेंगे। इससे अच्छा है कि इस मुल्क से, इस दुनिया से मैं चल जाऊं। उस तीनों लड़की ने फांसी लगा के मर गई, पेपर में यह सूचना मिलती है। माननीय नेताजी, घर के बाद जिसमें अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को जब जब हम लोगों पे लाठियां पड़ती थी तब तक हम लोगों के पास, हम लोगों के दवा दारू सबका इलाज कराने के लिए सब कुछ वहन करते थे। ये संतोष भाई को दूसरा माइक बोलिए, दूसरा संतोष। तुम्हारे हर जवाब को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करता हूँ। उन्होंने कहा था कि हक मांगते हो तो अड़ना सीखो, हक मांगते हो तो अड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, अरे जीना है तो मरना सीखो। उस इमरजेंसी की आवाज आई थी। मैं उनको नमन करते हुए इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए, भाई लाल डॉक्टर लोहिया ने कहा कि सड़कों को सुनी कर दोगे तो संसद आवारा हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया ये भी कहे थे कि सच बना अगर बगावत है तो समझो ये भी बागी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप 10 बजे से उठे, कड़कड़ाती धूप में भी अपने पैर को डिगाए नहीं, आप माने नहीं, आप हमेशा गुमी बहरी सरकार को खिलाफ के कदम आगे बढ़ने का काम कर रहा।